Depression. This word has become so common in today's times that everyone seems to know what it means. सच तो ये है कि लाइफ में कोई भी सेटबैक हो तो हम उसे डिप्रेशन का नाम दे देते हैं और दूसरे लोग जो सपोजिटली डिप्रेस्ड नहीं हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता बिकॉज इट लुक्स लाइक एवरीवन्स गोइंग थ्रू डिप्रेशन। तो डिप्रेशन है क्या? द डिक्शनरी डिफाइंस डिप्रेशन एज फीलिंग्स ऑफ सिवियर डिस्पोंडेंसी एंड डिजेक्शन। आसान शब्दों में वो फीलिंग्स जब हम उदास या निराश होते हैं। इट अफेक्ट्स हाउ वी फील, हाउ वी थिंक and how we behave, and can lead to a variety of emotional and physical problems. Depression एक medical term है, और इसका गलत इस्तेमाल करना इसकी गंभीरता को कम करना है। कहीं हम इसका गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे? क्या हमें सच में पता है depression क्या है? पर इसका ये मतलब नहीं कि problem नहीं है। Let's look at some statistics. 10 से 19 साल के लोगों में 6 में से एक जन को डिप्रेशन है। डिप्रेशन इज द वन लीडिंग कॉज फॉर सुसाइड। मोस्टली मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम 14 साल की उम्र में शुरू हो जाती है, जिसमें से ज्यादातर का पता भी नहीं चलता, और अगर पता चलता भी है तो उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। प्रॉब्लम ये है कि एज अ नेशन हम मेंटल हेल्थ को जरूरी नहीं समझते। जैसे हमें फिजिकल हेल्थ की प्रॉब्लम्स के लिए ट्रीटमेंट जरूरी है, वैसे ही मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स के लिए भी ट्रीटमेंट जरूरी है। यस, डिप्रेशन इज अ प्रॉब्लम टू आवर मेंटल हेल्थ। सो हियर आर सम क्वेश्चंस फॉर यू। क्या आप उदास या एंग्शियस रहते हैं और एक खालीपन महसूस करते हैं? क्या आपको नेगेटिविटी और होपलेसनेस की फीलिंग्स आती हैं? क्या आपको गिल्ट की, वर्थलेसनेस की या फिर एक हेल्पलेसनेस की फीलिंग आती है? क्या आपको चीजें करने में इंटरेस्ट या मजा नहीं आता? क्या आप बहुत थके हुए रहते हैं? क्या आप धीरे चलते हैं या धीरे बातें करते हैं? क्या आप बेचैन रहते हैं? क्या आपको कॉन्सेंट्रेट करने में, चीजें याद रखने में या डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है? क्या आपको सोने में और सुबह जल्दी उठने में प्रॉब्लम्स होती हैं? क्या आप ज्यादा सोते हैं? क्या आपके खाने में और वेट में चेंजेस आए हैं? क्या आपको मरने के या सुसाइड के थॉट्स आते हैं? अगर इनमें से ज्यादातर का आंसर हाँ में है, तो या तो आप डिप्रेशन की ओर बढ़ रहे हैं या फिर आपको डिप्रेशन है। या फिर अगर आपको लगता है कि ये सवाल किसी और के लिए सच है, then here are some practical steps to beat depression. अपने जीवन का पर्पस या लक्ष्य ढूंढिए। जिनके जीवन का कोई पर्पस नहीं होता, वो किसी भी परिस्थिति के सामने आराम से घुटने टेक देते हैं। किसी को भी डिप्रेशन हो सकता है, लेकिन अगर आपके जीवन में कोई पर्पस है तो आप उसके लिए फिर से जरूर खड़े होंगे। अपने रूटीन को बदलिए। एक जंग खाई हुई मशीन भी सफाई और ऑयलिंग के साथ चलने लगती है। द सेम गोज फॉर आवर फिजिकल बॉडीज। अपने ईटिंग और स्लीपिंग हैबिट्स को बदलिए। गो फॉर अ वॉक। फोन को कुछ टाइम के लिए नीचे रख दीजिए, टीवी ऑफ कर दीजिए। You will be surprised to see the change. किसी से बात करें, अपने दोस्त से बात करें या फिर उन लोगों से जो आपकी केयर करते हैं। It always works. अपना मन हल्का करें और अपनी फीलिंग्स को बताना is always the best thing to do. एक से बेहतर दो होते हैं and you don't feel lonely anymore. Depression self-centeredness का भी साइन है। हमें एक चीज समझने की जरूरत है कि ये दुनिया हमारे आसपास नहीं है। This world doesn't revolve around us. Having self-pity is also a kind of selfishness. सिर्फ अपने बारे में ही सोचना हमारे स्वार्थीपन को दर्शाता है। There is so much more to life. अपना फोकस अपने आप से हटाकर दूसरों पर लगाइए। जिसने आपको बनाया है, जिसने आपको रचा है, उस पर लगाइए। जिंदगी बहुत अलग हो सकती है। The Bible says that God loves you. परमेश्वर हमसे प्यार करता है। चाहे आप कोई भी हो या आपने कुछ भी किया हो, God still loves you. और हम अभी जैसे हैं वो हमें बिल्कुल वैसे ही एक्सेप्ट करता है। वो हमें समझता है, हमारे दुख, हमारे दर्द, हमारी फीलिंग्स को समझता है, क्योंकि उसी ने हमें बनाया है, और क्योंकि उसने हमें बनाया है, वो भी हमें ठीक कर सकता है। Knowing our creator gives us a sense of worth and belonging.